हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीजे स्कूल ऑफ जेसीआरटी झारखंड। माय नेम इज़ मोहम्मद एजाज उल हक। टुडे वी विल लर्न अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, फिर भी इसको रिकैप करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता की जो बोली है उसको हूबहू बोल दी जाती है। जैसे राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसमें जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसको कहेंगे राम टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड। आप इस बात को समझ चुके हैं कि इसको राम सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है। आई एम योर फ्रेंड ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और ये वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब सेज रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और ये आई एम एम जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहलाता है। जब हिंदी में हम इसको बोलते हैं राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, राम मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इनडायरेक्ट में जो इसको बोलेंगे राम टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड, हिंदी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता, सिर्फ की आयत लग जाता है उसमें। राम मुझसे कहता है कि वो मेरा दोस्त है। आप देखते हैं कि इसमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ बदलाव आया, कुछ बदलाव रिपोर्टेड स्पीच में आया और कुछ बदलाव रिपोर्टिंग क्लॉज में आया। रिपोर्टिंग क्लॉज में जब प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, तब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में ज़्यादा बदलाव नहीं आता। लेकिन जब ये पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में एक बदलाव आता है जिसके बारे में इन कक्षाओं में, इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ जो आपने देखा यहाँ पे कि राम टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, सेज टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में उसको टेल्स कर देते हैं। और यहाँ जो पर्सनल प्रोनाउंस है जिसके बारे में आप पहले जान चुके हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनल प्रोनाउन वो होता है तो वो चेंज हो जाता है। अगर वो सब्जेक्ट, अगर ये पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के तरीके से चेंज होगा। अगर ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन में है राम सेज टू मी, तो यहाँ इसका सब्जेक्ट है राम, राम के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे ही, इसलिए हमने यहाँ पर चेंज किया है ही। और इसी के अनुसार, इसी के मुताबिक इसका वर्ब भी आ जाएगा। यहाँ आई के साथ एम लगा हुआ है तो ही के साथ इज लग जाएगा। यहाँ पे योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है तो मी को हमने माय किया और उस सेंटेंस को लिख दिया हमने। ये है डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट है, यह है इनडायरेक्ट। आज हम लोग देखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो अगर पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसके कुछ नियम हैं। हम लोग देखते हैं राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। यहाँ वर्ब राम सेड पास्ट टेंस में है, तब हमें इसके अंदर में क्या बदलाव लाना होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में राम सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन ये पर्सनल नाउन है, उस सब्जेक्ट के अनुसार ही, एम है तो वाज लग जाएगा, योर माई फ्रेंड। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड, ये हमने बदलाव लाया। अब देखते हैं
दूसरे सेंटेंस को लेते हैं, राम सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, श्याम वाज सक्सेसफुल। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? राम टोल्ड मी दैट श्याम हैड बीन सक्सेसफुल। कुछ बदलाव आया ना इसमें? यहां वॉज था, वॉज हैड बीन में चेंज हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, श्याम हैड बीन सक्सेसफुल। श्याम हैड बीन सक्सेसफुल। इन डायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो होगा, राम टोल्ड मी दैट श्याम हैड बीन सक्सेसफुल। अब इन तीनों सेंटेंसेस को देखें, आपको क्या लग रहा है इसमें? कुछ बदलाव दिख रहा है इसमें? ये तो आपका टोल्ड मी सब में सेम है, दैट भी सब में लगाया उन्होंने, जो पर्सनल प्रोनाउंस थे या जो नाउन था नाउन के हिसाब से लिखा हमने उसको, लेकिन यहां जो वर्ब है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। एम वाज में चेंज हो गया, वाज हैड बीन में चेंज हो गया, और हैड बीन ही रहा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब हैं वो चेंज होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, जिसके बारे में आप जानते हैं, टेंस के बारे में आप जान चुके हैं। अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में क्या बदलाव आता है? जैसे मरियम सेड टू सारा, यहाँ इसको लिखा है आई राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखेंगे मरियम टोल्ड सारा दैट आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मरियम शी राइट रोट अ लेटर। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, मरियम सेड टू सारा, यहां सब सेम है, मरियम आपके आसानी के लिए इसको क्या, मरियम टोल्ड सारा दैट, यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम राइटिंग ए लेटर, तो यहां पर आई मरियम है, इसके लिए शी का प्रयोग करेंगे, शी वॉज राइटिंग ए लेटर।
इनडायरेक्ट स्पीच में मरियम सेड टू सारा, ये डायरेक्ट स्पीच में है, आई हैव रिटन लेटर, इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो मरियम टोल्ड सारा दैट शी हैव रिटन लेटर, शी हैड रिटन लेटर, शी हैड रिटन ए लेटर. उसी प्रकार मरियम सेड टू सारा, मरियम टोल्ड सारा दैट शी हैड बिन राइटिंग ए लेटर. आपने क्या देखा है इसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो आता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है. उसी प्रकार पास्ट टेंस में हम चेंज करते हैं. पास्ट टेंस में जब पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसको सिंपल पास्ट कहते हैं, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं आता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, यहां भी नो चेंज. अब यहां देखें आप, आई रोट ए लेटर था तो शी हैड रिटन लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर तो शी हैड बिन राइटिंग ए लेटर, I had written a letter, she had written a letter, I had been writing a letter, तो she had been writing a letter. इस पर कोई बदलाव हम लोग ने नहीं लाया इसमें, तो ये हम लोग को देखना है. फ्यूचर टेंस में भी सिर्फ विल और शल बदल जाता है वुड में, बाकी कोई बदलाव नहीं होता है. जैसे इसको अगर आप फ्यूचर टेंस में लिखेंगे इसमें, तो मरियम सेड टू सारा I will write a letter या I shall write a letter, तो उसको हम लोग कहेंगे मरियम टोल्ड सारा दैट शी वुड राइट ए लेटर. मरियम सेड टू सारा I will be writing a letter, तो इसका जब चेंज करेंगे आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे, तो मरियम टोल्ड सारा दैट शी वुड बी राइटिंग ए लेटर, शी वुड बी राइटिंग ए लेटर. तीसरा सेंटेंस होगा मरियम सेड टू सारा I will have written letter. इसको हम लोग चेंज करेंगे मरियम टोल्ड सारा दैट शी वुड हैव रिटन लेटर. और चौथा सेंटेंस होगा मरियम सेड टू सारा I will have been writing letter. उसको हम लोग चेंज करेंगे मरियम टोल्ड सारा दैट शी वुड हैव बिन राइटिंग लेटर. तो हम लोग देखते हैं कि ये जो टेंसेस में कुछ बदलाव आता है, और उसका एक विस्तृत उसका एक लास्ट में हम दे देंगे आपको कि किसमें क्या चेंज होता है. आप खुद से इसके नियम भी निकाल सकते हैं, इन एग्जांपल्स को देख करके आप नियम बना सकते हैं कि कैसे कैसे चेंज आया है. और कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ के क्वेश्चंस जो हैं, या जो और दूसरे हैं जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं या इम्परेटिव सेंटेंस है, उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में अगर इम्परेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उसमें क्या बदलाव आएगा. धन्यवाद.